है। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ी हुई है, सुमन दिल्ली से। जी सुमन, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप? हेलो सुमन, अगर आप सुन पा रही है हमें तो अपना सवाल पूछिए। लगता है सुमन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शबा हमारे साथ दिल्ली से ही एक और दर्शक जुड़ी हुई है। जी शबा, अपना सवाल पूछ सकती है? जी गुड आफ्टरनून, बोल सकती हूँ? गुड आफ्टरनून, सवाल क्या है? मेरे दो सवाल हैं। फर्स्ट वन इज कि अगर मैं जैसे थ्रेडिंग करवा लेती हूँ जी, और थ्रेडिंग कराने के बाद अगर नोटिस की जो मेरी आईब्रोज के ऊपर का पोर्शन है उस पर छोटे छोटे से दाने से आ जाते हैं और वो पेन करते हैं जी, और दूसरा सवाल एंड और मेरे मतलब आत्मा वगैरह भी बहुत रहते हैं, मैं काफी प्रिकॉशंस भी लेती हूँ लेकिन आई हैव नोटिस कि वो बार बार काफी उनकी कंटिन्यूटी रहती है मेरे फेस पे। एंड सेकंड है क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा जो फेस है वो थोड़ा ब्रॉड है और आईज मेरी बड़ी हैं, तो प्लीज मुझे आप बताएंगे कि पार्टी के लिए विच मेकअप विल सूट मी? अच्छा, आपके पहला क्वेश्चन जो आपकी, आप जब आईब्रोज करवाती हैं तो आपकी आईज पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, आपकी स्किन भी सेंसिटिव स्किन में से है, आप जब भी आईब्रोज कराती हैं जहां से भी, आप उन्हें बोलिए कि आपको थोड़ा मसाज देंगी आईज पे, और आप उसके बाद घर आके थोड़ा आइस लगाइए तो उससे आपको ये दानों की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और आपका दूसरा सवाल जो आपकी ब्रॉड फेस है और बिग आईज है, आप इसको मेकअप वाइज कैसे बेहतर दिखा सकती हैं? देखिए, जो ब्रॉड फेस है आप उसको थोड़ा छोटा दिखा सकती हैं, आप अपना फाउंडेशन से एक शेड डार्कर लीजिए, या अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है तो आप ब्लशर कोई भी थोड़ा लाइट ब्राउन कलर में ब्लशर लीजिए और आप अपने फेस के साइड पे शेडिंग कीजिए इस तरफ, जिससे कि आपका फेस थोड़ा नैरो नजर आएगा और थोड़ा छोटा नजर आएगा। तो ये छोटे छोटे एक ट्रिक्स है जिसे अगर आप अपनाएंगी तो आप खुद से अपने फेस और मेकअप करेक्शन कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक प्रियंका जुड़ी हुई है दिल्ली से। जी प्रियंका, सवाल पूछिए। जी मेरे चेहरे पे बहुत ऑयल रहता है सारा टाइम और ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मुझे, साथ में मेरे पिंपल्स हो जाते हैं तो उसके निशान रह जाते हैं, तो आप मुझे प्लीज बताइए उसके लिए मैं क्या करूँ और कौन सा मॉइस्चराइजर मुझे यूज करना चाहिए? मैं क्लींजिंग और टोनिंग तो करती हूँ पर मॉइस्चराइजर मुझे नहीं पता आपने लिए, प्लीज आप बताइए जरा। देखिए, आपकी जो स्किन है वो ऑयली है, मैंने अभी पहले भी बताया था कि आप ऑयली स्किन के हिसाब से अपना मार्केट से टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और फेस वॉश यूज कीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑयली स्किन के लिए, जो आपके फेस का ऑयल थोड़ा कम कर देता है। तो आप बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जो आप केमिस्ट शॉप पे या कॉस्मेटिक शॉप पे जाके पूछेंगी तो वो आपको बता देंगे आपकी स्किन के हिसाब से, ऑयली स्किन के लिए आप मांगिए और आप वो यूज कीजिए। और आपका दूसरा सवाल क्या था? कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करें और जो एक्ने रह जाता है इनका, तो एक्ने जैसे मैंने बताया कि आप प्लीज अपने फेस को हाथ मत लगाइए बारी बारी, बिकॉज हम घर में काम करते हुए, ऑफिस में काम करते हुए इतनी सारी चीजों को छूते हैं, और अगर हम उसी हाथ से बारी बारी अपना फेस टच करते हैं, और अगर आपका फेस एक्ने प्रोन है तो हम अपने फेस को दावत दे रहे हैं और दाने निकालने की। और प्लीज आप अपने दाने छीलिए नहीं, तभी अगर आप अपने दाने अगर खुजलाती हैं या छीलती हैं तभी वो दाग छोड़ जाते हैं। जी बिल्कुल, तो छेड़िए नहीं एक्ने इसको, और इसकी वजह से ही प्रॉब्लम होता है, अगर आप ऐसा करेंगे तो जरूर दाग नहीं रहेगा। और मॉइस्चराइजर का आप अपने स्किन टाइप को देखकर मार्केट से ले सकती हैं। हमारे साथ मोनिका कानपुर से एक और दर्शक जुड़ी हुई है। जी मोनिका, अपना सवाल पूछ सकती है? हेलो जी मोनिका, आपको सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक मेरे फेस पर डार्क सर्कल बहुत हो गए हैं और मेरी स्किन ड्राई बहुत है, अगर मैं मेकअप भी करती हूँ तो ग्लो नहीं आता, मैम क्या करना चाहिए? देखिए, अंडर आई सर्कल के लिए आप मार्केट से अंडर आई क्रीम यूज कीजिए, जो मार्केट में इस टाइम बहुत सारे ब्रांड्स की अंडर आई क्रीम अवेलेबल है स्पेशली डार्क सर्कल्स के लिए, जो डार्क सर्कल्स, जो कालापन है उसको कम करती हैं। और दूसरी बात, आपकी जो स्किन ड्राई है और आप मेकअप करती हैं तो वो ग्लो नहीं आता, आप जब भी मेकअप करती हैं तो आप अपने फेस को पहले मॉइस्चराइज कीजिए, जो बहुत जरूरी है स्पेशली ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए। आप थोड़ा मॉइस्चराइजर यूज कीजिए और आप उसको एक दो मिनट अपने फेस पे सेटल होने दीजिए, मतलब एब्जॉर्ब होने दीजिए, आप उसके बाद फेस पे मेकअप कीजिए तो देखिएगा आपके फेस पे ग्लो आएगा। बिल्कुल, तो छोटी छोटी बातें हैं, इसका खास ख्याल अगर रखें तो जरूर आपके चेहरे पे ग्लो आएगा मेकअप के बाद। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ी हुई है गाजीपुर से, मृदुला। मृदुला, अपने सवाल पूछिए। हाँ, मेरे हाथ की स्किन टूट की वजह से श्याम हो गई है, पहले फेयर थी
लेकिन अब थोड़ी डार्क हो गई है, तो अब मैं सनस्क्रीन लोशन लगाती हूँ, बाहर जाने के पहले ग्लोव पहनती हूँ, लेकिन जो स्किन डार्क हो गई है उसे फिर से फेयर करने का कोई आइडिया? देखिए, जो आपकी स्किन डार्क हो गई है, आप पैक यूज कीजिए और आप थोड़ा स्क्रब यूज कीजिए, तो उससे आपका जो डार्कनेस है वो चला जाएगा। ये धूप में जाने के कारण हुआ है आपको? जी, उन्होंने यही कहा था कि धूप में जाने की वजह से हो गया, लेकिन अब मैं यूज करती हूँ फिर भी जा नहीं रहा। तो आप मार्केट में एक कूलिंग क्रीम भी अवेलेबल होती है, जो आफ्टर सन कूलिंग क्रीम बोलते हैं उसे। जैसे जो लोगों को बाहर निकलने से धूप में रेडनेस आ जाती है और थोड़ा बर्निंग फीलिंग होता है, तो वो एक कूलिंग क्रीम आती है जो मार्केट में कॉस्मेटिक शॉप्स पे और केमिस्ट शॉप्स पे इजीली अवेलेबल है। तो आपको जहां जहां पर वो रेडनेस और कालापन लगता है, आप धूप में आने के बाद उसे इस्तेमाल कीजिए, आप उससे आपको बहुत बेहतर लगेगा। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ी हुई है, अंकिता। अंकिता, आपने सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए अंकिता। ये पूछना है कि एक्चुअली आज के मार्केट में जैसे कि मतलब बहुत सारे कलर कलर के आईलाइनर अवेलेबल है, जैसे कि ब्लू एंड ऑल, तो इसके अंदर मुझे पूछना है कि मतलब कौन सा कलर आजकल ज्यादा कलर है, और इसके अंदर कौन सा मतलब ब्लैक भी क्या शामिल करके लगा सकते हैं, या फिर ओनली फॉर ब्लू अच्छा लगता है? ओनली फॉर ब्लू अच्छा लगता है, ब्लू और ब्लैक ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो इनके आपके आई शेप अगर बताएंगी तो ज्यादा आपको हेल्प कर पाएंगी नैना। और आप अपनी अगर आई कलर बताएंगी तो लगता है इनसे संपर्क टूट गया। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट इन्होंने सवाल पूछा है, बहुत डिफरेंट कलर होते हैं आई लाइनर के, तो हर एक शेप के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने लाइकिंग के हिसाब से कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकती हैं, मगर अगर आपकी आईज ब्राउन है जी, तो अगर आप ब्राउन से जैसे हेजल आईज हैं, आप अगर ब्राउन लाइनर के इस्तेमाल करें और ब्लैक में रहें तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी यंग जनरेशन आजकल बहुत एक्सपेरिमेंटल हो गई है, वो ब्लू ग्रीन और भी काफी कलर्स पर्पल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी लाइकिंग के हिसाब से आप इस्तेमाल कीजिए, अच्छा लगेगा। बिल्कुल, अपनी लाइकिंग के हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है, इतनी फ्रीडम जरूर मेकअप करते वक्त आपको रखनी चाहिए। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, लेकिन नैना हमारे साथ बनी हुई है, आप अपने तमाम तरह के सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। कामयाब है तू, सब में आगे है तू, जागो, it's only woman, it's only woman, में आगे है तू, जागो, it's only woman, it's only के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट, और आज हम बात कर रहे हैं मेकअप के जरिए और मेकअप में क्या कुछ सावधानियां रखकर आप अपने चेहरे को और निखार सकती हैं और लुक को बिल्कुल अपने डिफरेंट कर सकती है। नैना हमारे साथ बनी हुई है जो आपके तमाम सवालों के जवाब दे रही है। इस वक्त गांधीनगर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई है, नीलम जी। नीलम, अपने सवाल पूछिए। नीलम, अगर आप सुन पा रही है तो अपने सवाल पूछिए। लगता है इनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ी हुई है, राखी। राखी, सवाल पूछ सकती है अपना। फाउंडेशन के बारे में, क्योंकि सही तरह फाउंडेशन सेलेक्ट नहीं कर पा रही। मैं काफी फाउंडेशन खरीदती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत देर में काफी ब्रांड यूज कर चुकी हूँ, मतलब थोड़ी देर में सेटिंग काफी हो जाती है। आप उनसे पूछ रहे हो वाटर प्रूफ देंगे, मतलब बोलते हैं, लेकिन घर आते ही मैं आपको फाउंडेशन बताने से पहले आपकी त्वचा जानना चाहूंगी कि किस प्रकार की आपकी स्किन है। आपकी स्किन जानना चाहूंगी, ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है जो आपके फेस पे फाउंडेशन। संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन ये बता रही थी स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ऑयली स्किन हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मार्केट में ऑयल फ्री फाउंडेशंस अवेलेबल हैं, जो स्पेशली ऑयली स्किन के लिए अवेलेबल हैं। तो आप अपनी आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे जाइए और आप वहां पर ऑयल फ्री फाउंडेशन पूछिए और आप वो अपने फेस पे लगाइए, और उसके बाद और उसके ऊपर ऑयल फ्री कॉम्पैक्ट यूज कीजिए, और कॉम्पैक्ट हमेशा डैप करते हुए लगाइए, ऐसे घिसते हुए नहीं लगाइए, हमेशा डैप करके लगाइए, तो आपका फाउंडेशन